Now the next question is, there is given a prism, glass prism. इसमें कहा गया है कि एक रे है, लाइट रे, जो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है प्रिज्म के इस सरफेस पर, एसी सरफेस पर, और वो ग्लास से होते हुए रिफ्रैक्शन के थ्रू जब दोबारा एयर में निकलती है, दिस इज एयर एंड दिस इज एयर, तो कहते हैं ये एंगल कितना है। फिर क्वेश्चन है कि अगर यहां पर लिक्विड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लिक्विड फिलअप कर दिया जाए इस साइड में, एबी साइड में, तो कहते हैं अब ई कितना होगा, अब ई कितना होगा, मीन्स कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ रे, जो रे निकल रही है, कह रहे हैं इसकी एंगल कितनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो हमें पता है किसी भी सरफेस पर अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल होती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, अपने पाथ से सीधा सीधा मूव करती है। तो ये लाइट ने यहाँ पर सीधा सीधा मूव करते हुए चली जाएगी इस सरफेस पर, ईवी सरफेस, ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस वन एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 30, कितना हो गई 30। अब ये लाइट रे 90 डिग्री परपेंडिकुलर फॉल हो रही है और रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, अपने पाथ से मुड़ नहीं रही है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। अब ये अगर 90 है तो इस ट्रायंगल में जरा देखिए, दिस ट्रायंगल, दिस वन इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 + 30 = 120, और ये एंगल होगा 60, कितना होगा 60, दिस एंगल इज 60। अब ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, नॉर्मल ड्रा किया हुआ है एबी सरफेस पर प्रिज्म के, तो ये टोटल का टोटल 90 डिग्री है, 90 में से अगर 60 निकाल दिया तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ 30 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर किसी सरफेस पर कोई रे जो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती हो, मीन्स आई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये निकल रही है बाहर और ये नॉर्मल से एंगल बना रही है आर, ये मान लेते हैं एयर है और ये मान लेते हैं ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रेज जिसमें घुसती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहाँ से आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखने का तरीका है, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई का मतलब कितना एंगल लेकर के वो आ रही है नॉर्मल से, अपॉन कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई नॉर्मल से, इसी को यहाँ फॉलो करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए किस तरह से, यहाँ एयर है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। अब ये रेज यहाँ पर आई, नॉर्मल से कितने एंगल बना रही है 30 डिग्री, जब रे इमर्ज हुई तो नॉर्मल से कितने एंगल बनाते हुए इमर्ज हुई, साइन ई, जैसा कि क्वेश्चन दिया है। अब ध्यान दीजिए, रेज यहां से यहां पर आ रही है तो रेज घुसी कहां, रेज आई ग्लास से, घुस किस पे रही है, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा ये रेज किस में घुसी है, एयर से आई है ग्लास में घुसी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो यहां रेज आई है घुस रही है एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहां से आई है, ग्लास से आई, ये हो गया फर्क। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर हमको उलटना है, ए को इधर लाना है, जी को लाना है, तो क्या तरीका है, इसको वन अपॉन कर देते हैं म्यू ए जी इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन ई, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दे रखा है, कितना है √3, 1/ ए म्यू जी की वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 तो 2 कहां चला जाएगा नीचे, ये हो गया साइन ई, 2 कहां चला गया यहां पर, 2 अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन साइन ई, अगर इसको उलटते हैं तो ये उलट जाएगा, साइन ई ऊपर चला गया, तो साइन ई इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2, और साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कितना होता है, तो थीटा इक्वल टू होता है 60 डिग्री, तो कहने का मतलब है कि अगर एयर है तो 60 डिग्री से ये इमर्ज कर रहा है,
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर यहां पर लिक्विड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन द प्लेस ऑफ एयर वी हैव लिक्विड और इसका आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3। अब ध्यान दीजिए इसी चीज को सेम वे से आप दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा, कितने यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां का मीडियम अभी चेंज नहीं हुआ है। तो ये नॉर्मल से कितने एंगल बनाते हुए आ रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर मतलब ये। अब इसको मान लेते हैं ई डैश ठीक है, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि लिक्विड है तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, मीडियम चेंज हुआ है तो एनर्जी की देखिए कुछ एंगल जो है वो चेंज होंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, रेस किसमें घुसी, किसमें घुसी रेस, लिक्विड में, तो लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहां से आ रही है, ग्लास से आ रही है, कहां से आ रही है, ग्लास से। इसको होल्ड कर लेंगे, इसको रोक लेंगे यहां पर। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एयर से रेज आई, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड से कहां गई, कहां गई ग्लास में, ग्लास से कहां गई एयर में निकल गई बाहर। ध्यान दीजिएगा रेज लाइट रे एयर से आई लिक्विड में गई, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इस तरीके से लिखते हैं, फिर लिक्विड से कहां गई ग्लास में गई, लिक्विड से ग्लास में, फिर ग्लास से कहां एयर में आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो एल म्यू जी इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे ए म्यू एल इंटू जी म्यू ए। अब एल म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू एल, इसको मैं उलटना चाहता हूं क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ होता नहीं, तो इसको उलटने के लिए कितना हो जाएगा, मैंने उलटने का तरीका बताया 1 अपॉन करते हैं तो ये चीज चेंज हो जाती है, तो 1 अपॉन करेंगे 1 अपॉन जी धरा जाएगा ए धरा जाएगा, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी। ए म्यू जी कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। इसको आप दिमाग में रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप इसको। अब जरा ध्यान दीजिए एल म्यू जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना है, लेकिन हमको क्या चाहिए, जी म्यू एल चाहिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको उलट देंगे, इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको उलटना चाह रहे हैं चेंज करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन जी म्यू एल इक्वल टू, ये हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। इसको ऊपर करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, जी म्यू एल इक्वल टू ए म्यू एल अपॉन ए म्यू जी। ए म्यू एल की वैल्यू हमको पता है 1.3 और ए म्यू जी की वैल्यू हमको पता है √3, ये पता है इक्वेशन नंबर 1 में आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 जी म्यू एल इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन साइन ई डैश, साइन ई डैश को यहां लिख देते हैं तो साइन ई डैश इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा 1/2 और जी म्यू एल की वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया 1.3 अपॉन √3, √3 कहां चला गया ऊपर, √3 अपॉन 2 इनटू 1.3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसको इसकी वैल्यू लगभग हमको मिलेगी 0.66। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी ऑलमोस्ट 0.66, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिए साइन, इसको आप नोट कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
रूट थ्री बाई टू, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब पॉइंट फाइव, और ये वैल्यू देखिए ज्यादा है, तो इसका मतलब 30 डिग्री से एंगल क्या आने वाली, ज्यादा आने वाली। अगर एग्जाम में आपको ये वैल्यू दे रखा है कि ये साइन की वजह से वैल्यू 0.66 हो तो एंगल कितना होगा, तब तो कोई बात नहीं, इजी है। लेकिन अगर ये आइडिया आपको नहीं दे रहे हैं तो आप जरा ध्यान दीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का मतलब 0.5। इसका मतलब कि अगर 0.5 से बढ़ा दिया जाए, 0.6 कर दिया जाए, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई, और वैल्यू कहाँ चली गई, थोड़ी सी ज्यादा चली जाएगी, और ये लगभग आती है हमारी 41 डिग्री। कितनी आती है 41 डिग्री, साइन 41 का वैल्यू लगभग होता है 0.66, मतलब 30 से ज्यादा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं साइन ई डैश इक्वल टू 0.66, तो ई डैश मे बी 41 डिग्री, ऑलमोस्ट 41 डिग्री, ऑलमोस्ट। इट मीन्स कि पहले ई की वैल्यू 60 डिग्री आंसर में आया था, और इधर लिक्विड डालने पर अब जो इमर्जिंग वैल्यू रेस जो एंगल आ रही है वो आ रही है 41 डिग्री। इट मीन्स आंसर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी घट जाएगी, दो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगी हमारी क्या होगी, घट जाएगी। जब एयर था तो 60 डिग्री था, और जब लिक्विड डाला आपने तो आ गई 41 डिग्री, एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.3 इज गिवन। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो इन पार्ट 3 वी विल कम फ्रॉम न्यू टू टेक न्यू क्वेश्चन फॉर यू। सो हैव अ गुड डे।